I have scored 151 marks in physics out of 180. Hey, hello everyone, this is Diksha, and those who are watching me for the first time, let me tell you, I have scored 627 marks in NEET 2023. In this video, I'll be talking about my physics strategy. Let's begin with it. So, मैंने इस साल physics में 151 marks score किया है. मैंने 39 questions सही करे थे और मैं bio के बाद जिस subject पे सबसे ज़्यादा rely करती थी, वो physics था. मुझे chemistry में उतना confidence नहीं आता था जितना मेरा physics में confidence रहता था. मैं हमेशा LN में भी अच्छा score किया physics में. तो मैं बताऊँगी कि मैंने physics को कैसे करा. सबसे पहले आप ये जाने कि physics जो subject है, वो biology और chemistry से काफी अलग है. Physics को हम बाकी अपने दोनों subjects से compare नहीं कर सकते, क्योंकि chemistry और biology हमारे लिए bio के students के लिए यही काफी अच्छा होता है, लेकिन फिजिक्स में हम डरते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. फिजिक्स काफी आसान हो जाती है अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं. पहले मैं फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बोलूंगी. तो उसमें जितने भी चैप्टर्स है 11 12 को मिला के आप उसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको पार्ट वाइज कवर करना होता है. ऐसे 11th का काफ़ी सारा हो जाता है, 12th का काफ़ी सारा होता है, तो आपको कवर करने में बहुत हार्ड लगता है, क्योंकि लगता है काफ़ी सारा है. अगर आप पार्ट वाइज करके करेंगे तो आपको इजी पड़ेगा उसको फिनिश करने में. तो इससे आपको रिविजन में भी आसानी होगी. फर्स्ट पार्ट में UND रखना, काइनेमेटिक्स रखना, प्रोजेक्टाइल रखना और NLM रखना. फिर आप सेकेंड पार्ट बनाना, उसमें आप रखना सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फिर सेंटर ऑफ मास, रोटेशन और फ्लूइड्स. इतना आप रखना सेकेंड पार्ट में. फिर थर्ड पार्ट में आप रखना थर्मल फिजिक्स, SHM और वेव्स. तो ये आपके 11th का 3 पार्ट हो गया. फिर 12th का 3 पार्ट आपको करना है. सबसे पहले में आप इलेक्ट्रोस्टैट रख देना, कैपेसिटर रख देना और करंट रख देना. फिर आपके जो 12th का सेकेंड पार्ट होगा, उसमें आप मैग्नेटिज्म रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रखना, EM वेव्स रखना और ऑल्टरनेटिंग करंट रख देना. फिर लास्ट पार्ट में जितने भी बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको इंक्लूड कर लेना, मॉडर्न रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सबको. फिर ऐसे क्या होगा कि आपका पार्ट वाइज रहेगा, तो आपको काफ़ी आसानी होगी करने. अब इनको पढ़ना कैसे, ना चेक करिए कि आपको कितने चैप्टर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम है, किस में कम प्रॉब्लम है और कौन सा आपको आता है. तो उस हिसाब से आप देख लेना कि कौन सा कैसा है. तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको रेड कलर से आप अलग से मार्क कर लेना, ताकि आपको उस पर ज़्यादा स्ट्रेस देना, आप इस बात पर फोकस करके रख सकते हैं. पहले तो जो भी आप कोचिंग में इनरोल्ड हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी, तो वहाँ आप जो भी लेक्चर्स करते हैं तो उसका नोट्स प्रॉपर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स फिजिक्स में काफ़ी काम आता है. मुझे नहीं लगता बायो में नोट्स की ज़रूरत होती है. बायो में तो आप NCERT करते हैं, लेकिन फिजिक्स में नोट्स की बहुत ज़रूरत है. और जैसे आपके क्लासेस चल रहे हैं तो आप रोज़ का जो नोट्स आता है, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करना और जहाँ तक पढ़ाई हुआ वहाँ तक पढ़ना. फिर अगले बार जब क्लास आए तो उसको क्लास को करने से पहले स्टार्टिंग से, जब से वो चैप्टर चालू हुआ है तब से लेकर वहाँ तक पढ़ना जहाँ तक कि आपको लास्ट पढ़ाई हुई है. तो ऐसे क्या होगा, आपका चैप्टर बार बार रिकैप होगा, ठीक है. और उसी समय सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करना. और एक सबसे ज़रूरी बात, जो नहीं करते लोग, फिजिक्स में थ्योरी नहीं पढ़ते. मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है थ्योरी पढ़ना. आपके पास जो भी मॉड्यूल है, जो भी बुक है, आप उससे थ्योरी अंडरलाइन करके जैसे बायो में पढ़ते हैं वैसे पढ़ना है इसको. क्या होगा इससे कि आपको जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी. क्योंकि मेरी आदत है कि मैं फिजिक्स में फिजिक्स में क्या करती थी, थ्योरी पढ़ती थी अंडरलाइन करके, और उसमें से जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसको मतलब नोट कर लेती थी या फिर मार्क कर देती थी. तो इससे क्या होगा कि आपको जब वापस रिवाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा फिजिक्स में कौन सा थ्योरी कहाँ पे था, कौन सा इंपॉर्टेंट था. वो बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर करना. आप एक बार करके देखो किसी एक चैप्टर में, थ्योरी पढ़ के देखना फिजिक्स की, बहुत हेल्प होगी. फिर जब मैं कह रही हूँ थ्योरी लगाने, तो जो बीच बीच में जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको भी सॉल्व करके देखिए. आप सबको मार्क करिए अच्छे से, बिल्कुल एकदम एक एक क्वेश्चन बुक का हो जाना चाहिए. आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए उसमें से. मतलब जब तक वो नहीं आया तो आप जाओ डाउट काउंटर, जो भी होता है डाउट पूछने के लिए. कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको ज़्यादा आता हो, आप उससे भी हेल्प ले सकते हो. तो फिजिक्स में यही करना है आपको. फिर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट का जितना भी पेपर आया वो सब में देखेंगे कि उन सब से क्या आया. और असर्शन रीजन के लिए आपको थ्योरी बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ. और फिजिक्स में करना ये कि आपको फॉर्मूला चार्ट बनाना है. एज सुन एज आपका चैप्टर खत्म होता है, आपने पढ़ लिया उसको, आपको लग रहा है कि हाँ अभी क्लियर हो गया, आपने थ्योरी भी पढ़नी है पूरी, तो आपने थ्योरी पढ़ ली, चैप्टर पूरा लेक्चर हो गया आपका और आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किया. अब काम करना है कि आपको एक फाइल मेंटेन करना है या एक कॉपी मेंटेन कर लिया आपको, जो अच्छा लगे आपको. उसमें ना हर चैप्टर जैसे ही खत्म होता है तो उसका फॉर्मूला चार्ट बनाना, अपने लैंग्वेज में लिखना, मतलब फॉर्मूला लिखना, उसको क्या एप्लीकेशन करना है, कैसे करना. आप हिंदी में लिखो, जो अच्छा लगता है वैसे लिखना.
तो उससे क्या होगा कि आपको जब रिकैप करना होगा तो आप उसी से कर सकते हो, उसमें थ्योरी पोर्शन का भी इंक्लूड कर लेना जो कि इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आपको लगता हो कि आप पूछ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ जो आपके दिमाग से निकल जाता है। क्योंकि देखो जो चीज़ हमको याद रहती है एक बार में वो याद रह जाती है, लेकिन जो नहीं याद रहता उसी में ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ को ज़रूर लिखना उसमें। उससे क्या होगा कि आप जितनी बार उसको रिवाइज करोगे तो वो आपके दिमाग में आएगा, तो वो जो फॉर्मूला आपके पास जो चार्ट कंपाइल होता जा रहा है जो आपने थ्योरी प्लस ये किया, ज़्यादा नहीं होगा 2-3 पेजेस का होगा वो, ये नहीं कि पूरा एकदम लिख के 10-20 पेजेस का कर देना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में फॉर्मूला लिखना है और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी मतलब शॉर्ट में, तो इससे क्या होगा कि आपको रिविजन में आसानी होगी। और ये लास्ट के समय में और भी काम आएगा जब आपका नीट बहुत पास आ जाएगा, तो अभी आप अगर ये सोच के छोड़ देंगे कि नहीं मैं नोट्स ही कर लूँगा तो आप उस समय सारा नोट्स नहीं पढ़ पाएंगे जब लास्ट का समय होगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, पूरा सारा सिलेबस होगा आपके पास पढ़ने को, तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो आप रिविजन कैसे करना, तो आपको रिविजन ऐसे करना कि आप हर संडे या किसी एक दिन का प्लान करना कि उस दिन आप 3-4 घंटे ऐसे फिजिक्स को देना, तो वो जिसका फॉर्मूला चार्ट है उसको एक एक करके सारा देखना। तो आपको कहीं पे कुछ लगता है तो उसको बुक से वापस से देखना, कोई न्यूमेरिकल ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को याद आ रहा है तो वो वापस से चेक कर लेना। तो ऐसे क्या होगा कि हर संडे करते करते आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। टेस्ट से पहले आपने जो भी फिजिक्स करा है, जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह करे, मान लो एक चैप्टर करके रखा है आपने तैयार, तो उसको एग्जाम से 1-2 दिन पहले वापस से सारा न्यूमेरिकल चेक करना, आपने कहाँ क्या किया था, कैसे गलत हुआ था, कौन सा क्या हुआ था। इससे क्या होगा कि आपके नेगेटिव होने के चांसेस कम होंगे, और वो जो फॉर्मूला बुक मैंने कहा मेंटेन करने उसको भी वापस से देख के जाना, जिस दिन एग्जाम है उसी दिन देखना सुबह उसको, तो वो सारा कर लेना। और नेगेटिव से बचने के लिए अगर आपको हल्का सा 1% भी लग रहा है कि इसमें नहीं हो सकता है ये आंसर, तो आप उसको छोड़ देना, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या होगा कि आप नेगेटिव करने से बचेंगे, क्योंकि आपको मेन तैयारी अपनी मेन एग्जाम के लिए करनी है, नीट के लिए करनी है। आपको यहाँ के एग्जाम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसके रैंक मार्क से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे कि नेगेटिव को नहीं करना। फिजिक्स के असर्शन रीजन में भी बहुत गलतियाँ होती हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो आप बिल्कुल अभी का जो समय है, अभी नीट होने में काफ़ी सारा टाइम है, पूरे साल के एंड तक अपना पूरा सिलेबस कर लेना है, सब कुछ क्लियर करके रखना है, एक एक टॉपिक एक एक चीज़, मतलब कोई ऐसी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है जो नहीं आती हो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। अगर आप पेन पेपर लेके बैठेंगे, आप टाइम देंगे तो बिल्कुल सीखेंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो बच्चा मेहनत करता है उसको आ जाता है वो चीज़। तो अगले साल नीट से पहले जो भी 3-4 महीने होंगे तो उसमें सिर्फ आपको रिविजन करना है, याद रहे पूरा सिलेबस इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपको अभी से लग जाना चाहिए ताकि आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कोई चीज़ उस समय के लिए बची नहीं रहनी चाहिए कि नहीं ये बच गया मैं कैसे करूं क्या करूं, आपको बिल्कुल पैनिक सिचुएशन में डाल देता अगर आपका कोई भी चैप्टर बचा हुआ होता है। तो बिल्कुल सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और अगले साल से बस रिवीजन करना है। रिवीजन में क्या करना है, मान लो कि आपने रिवीजन स्टार्ट किया तो सबसे पहले नोट्स सारे एक बार पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स जो भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो लगा लिया, उसके बाद फिर उस चैप्टर को अगर आपको लगता है उसमें से आपकी गलती कम होती है तो आप उसको वापस से बार बार उस पर टाइम ना देके उस पर दीजिए जो आपको नेगेटिव में ले जाती है, तो उसमें ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और फॉर्मूला चार्ट रहेगा तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास जो था मैं उसके थ्रू ही काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, क्योंकि जब मैंने तैयारी शुरू की थी मैंने बताया कि 70-75 डेज बाकी थे, तो उसमें उतना पॉसिबल नहीं था कि मैं हर रोज़ सारे नोट्स रिवाइज कर सकूँ या कुछ भी, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला चार्ट पर रिलाई करती थी। वो कर लेने से ही मेरे काफ़ी अच्छे स्कोर आ जाते थे, टेस्ट में भी मेरे 150-140 तक आ जाते थे आराम से। और फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है, मतलब कि जितना हो सके उतना करिए आप, और बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप बहुत कंफ्यूज चलते कि कौन सा बुक करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो भी कोचिंग का मॉड्यूल है कोई एक भी फॉलो करिए और उसी को करिए, बार बार करिए। उससे क्या होता है कि आप सीखते हैं, क्योंकि नीट का जो पेपर उसमें एक्यूरेसी होना भी बहुत ज़रूरी है स्पीड के साथ। आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो या कुछ भी बहुत सारे स्टेप्स का प्रोसेस हो, ऐसा नहीं आता, सिंपल ही आते हैं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने चाहिए अपने कैलकुलेशन में। तो मतलब एक ही चीज़ आपको बार बार करनी है। फिर जो आप टेस्ट देके आते हैं तो उसको एनालाइज करिए, जिस दिन आपने टेस्ट दिया उस दिन शाम को बैठिए कि क्वेश्चन मार्क करिए जो आपसे गलती हुई, और ऐसे क्वेश्चंस भी मार्क करिए जो आपसे गलती हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ, कई बार होता चांस पे हमारा सही हो जाता, तो उनको भी मार्क करिए।
एक आपको टेस्ट एनालिसिस का भी कॉपी मेंटेन करना, उसमें आपके फिजिक्स के क्वेश्चन गलत हुआ, उनका क्या कॉन्सेप्ट था, किस वजह से आप लैक कर गए वो भी। तो टेस्ट से पहले आपको फॉर्मूला बुक भी रिवाइज करना है और ये जो गलत हुआ है आपका वो भी रिवाइज करना है। कई बार होता है कि उसी सेम कॉन्सेप्ट पे आ जाता है और जब आप वो सही करके आते हैं तो जो कॉन्फिडेंस आपको फील होता है ना अंदर कि हाँ मैंने वो वापस से गलत नहीं किया। देखिए लिखा एक शेड्यूल बनाना है कि आज मेरे इतने चैप्टर्स खत्म हो जाने चाहिए, मतलब हो जाने चाहिए। अगर नहीं होता तो आप उसको कल पे डालिए और कल खत्म करके सोइए। क्योंकि क्या होता है ना इससे कि एक डेली का गोल आप करते जाते हो ना, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप अपने डेली रूटीन में ऐसा कुछ हैबिट इंक्लूड करिए जो कि आपको सबसे अलग बनाता हो। तो फिजिक्स के लिए आपको डेली 3 घंटे तो एटलीस्ट देने जिनका अच्छा है, और जिनका वीक है तो आप 4 से 5 घंटे दीजिए। जब एक बार ऐसा आएगा ना कि आपके फिजिक्स में ऑटोमेटिकली स्कोर बहुत इंप्रूव होने लगेगा, तब आपको क्या होगा ना कि मतलब फिजिक्स से टेंशन हटेगी। जो मैक्सिमम लोग के सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जो अड़चन आती है वो फिजिक्स की आती है, तो आप फिजिक्स को इम्प्रूव कर लेंगे तो आप ऑलरेडी रेस में आगे हो जाएंगे। तो इसीलिए फिजिक्स के लिए जो करना है मेहनत अभी आपको बिल्कुल कर लेना है, इस साल के एंड तक आपको खत्म कर लेना है, ताकि अगले साल आपको जब नीट आने वाला रहे आप बिल्कुल रिलैक्स रहे फिजिक्स की तरफ से कि हाँ ये तो हो गया। क्योंकि फिजिक्स को आप रीकैप जल्दी कर सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बहुत मिस भी हो रहा है तो आप फॉर्मूला चार्ट ये सब करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे तो आ जाएगा आपको। और फिजिक्स में हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। आप मतलब जैसे मैं जब पेपर अटेम्प्ट करती थी तो सबसे पहले मैं बायोलॉजी कर ले उसके बाद मैं फिजिक्स करती थी, क्योंकि क्या होता था ना कि मैं अगर फिजिक्स लास्ट में करने लगती थी तो क्या होता था कि मेरे को बहुत एंग्जाइटी होने लगता था कि कहीं टाइम ना खत्म हो जाए, फिजिक्स में गलती ना हो जाए। तो अगर मैंने जब भी ऐसा ट्राई करके देखा फिजिक्स को लास्ट में, तो क्या होता था मेरे फिजिक्स में नेगेटिव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते थे। तो इस वजह से मैं क्या करती थी, फिजिक्स को बीच में रखती थी, जैसे कि मुझे आता था मेरा फिजिक्स काफ़ी आराम से निकलता था, पेपर मेरा अच्छा जाता था। फिजिक्स में मेरे नेगेटिव हमेशा 3-4-5 ऐसे ही होते थे, उससे ज़्यादा नहीं होता। आपने जो भी कोचिंग सेंटर या जो भी ज्वाइन करके रखा हो जहाँ का आप टेस्ट देते हो, उसके अलावा भी कहीं का पेपर ज़रूर सॉल्व करेगा। क्या होता है कि कई बार होता है उस कोचिंग के हिसाब से हम एकोमोडेट हो जाते हैं और वहाँ का अच्छा कर लेते हैं, लेकिन कहीं और का आता तो हमें दिक्कत हो जाती है। तो इस वजह से टेलीग्राम वगैरह पर भी आपको पेपर्स मिल जाएंगे दूसरे इंस्टीट्यूट्स का, तो आप उनको भी सॉल्व करके देख, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा आपका कि आप वहाँ का भी कर पा रहे हो, और आपको क्वेश्चन का वैरायटी भी पता चल जाएगा। क्योंकि आप जैसे फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं असर्शन रीजन वगैरह कुछ भी, तो मतलब काफ़ी दिक्कत हो सकता है अगर आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर ना हुए। क्योंकि अब जो कट ऑफ जाती है उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छा होना पड़ेगा। मतलब पहले आज से 3-4 साल पहले ऐसा होता था कि मतलब कोई एक सब्जेक्ट आपका थोड़ा वीक भी है तो बाकी से आप मैनेज कर लेते थे, मगर अब ऐसा पॉसिबल उतना नहीं है। क्योंकि आपको अब बहुत ज़्यादा मतलब इस बार तो 605 पे भी मुझे नहीं लगता MBBS किसी को मिलेगा, तो सोचिए कि कट ऑफ कितनी हाई है। तो आपको मेहनत उसी हिसाब से करना है, तो आप अभी से लग जाओ बिल्कुल फिजिक्स में, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको काम करना है। जैसा मैंने बताया वैसा करके देखो, 1 महीने आप करके मुझे बताना ज़रूर कि हो रहा है या नहीं। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है इससे इम्प्रूव होते हुए, और बिल्कुल होगा इससे इम्प्रूव। क्योंकि मेरी फिजिक्स भी शुरू से बहुत अच्छी नहीं थी, मैंने यही करके अपना फिजिक्स, आई होप कि आपको फिजिक्स के लिए क्लैरिटी मिल गया होगा। तो जिन बच्चों का फिजिक्स वीक है तो वो ये स्ट्रैटेजी ज़रूर फॉलो करें, और मुझे पूरा यकीन है कि इम्प्रूव हो जाएगा आपका। और अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, एंड गाइज डू सब्सक्राइब माई चैनल।